बैरिक। नगर पालिका कर्मचारी को नगर पालिका परिसर से हटाकर गाड़ी की सुरक्षा के लिए लगाया। अब खबरें विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजों से पहले सियासत तेज हो गई। ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही के बाद अब भोपाल पीएचक्यू की कैंटीन में डाक मत पड़े मिलने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने इसको लेकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ जहां ईवीएम में गड़बड़ी और स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जहां मंगलवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है, वहीं भोपाल में सामने आए इस मामले के बाद माहौल गर्मा गया और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। 28 नवंबर को प्रदेश भर में वोटिंग हुई थी। इससे पहले कर्मचारियों के लिए 18 नवंबर से पोस्टल बैलेट डालने का सिलसिला शुरू हुआ था। 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी और अफसरों ने डाक मत पत्र डाले थे। पोस्टल बैलेट 26 नवंबर की शाम तक जमा करने थे, लेकिन सामान्य मतदान के बाद पीएचक्यू की कैंटीन में 100 मत पत्र मिले, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। मत पत्रों का इस तरह लावारिश हालत में मिलना निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। कौन बोल रहा है? ये कैंटीन में जो पड़े थे, तीन दिन से पड़े थे। तुम कैंटीन में हो? क्या नाम है? कैंटीन में क्या करते हो? कैंटीन चाय चाय बनाते हो? तो तुम्हारे पास कहाँ से आया डाक पत्र? यहाँ से तुमको क्यों देंगे? तुम डाकिया हो क्या? अरे वहाँ पे रख दिए ले जाके बाबू ने। कोई भी बोल रहा था सर वहाँ पे, जो चाय पीने रखे तुम बताओ ना, दाम बताओ ना। उसका नाम नहीं है, आपका नाम बताना पड़ेगा। कौन सा चेहरा है? अरे क्या बोलेगा ये? बोला था लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई हत्या नहीं हो रही, गलत भैया। मध्य प्रदेश विदिशा नगर पालिका कर्मचारी को नगर पालिका परिसर से हटाकर गाड़ी की सुरक्षा के लिए लगाया गया। यह कर्मचारी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अधिकारी की गाड़ी के पास ही रहता है कि साहब की गाड़ी को कोई हाथ न लगा सके। जब कर्मचारी से इस मामले में पूछा गया तो वह जवाब नहीं दे सका। इस मामले में नगर पालिका अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि जो कर्मचारी तैनात किया गया है वो केवल मेरी गाड़ी के लिए नहीं, सभी कर्मचारियों की गाड़ी के लिए लगाया गया है। रेडी। क्या नाम है आपको? राजेश कुमार शर्मा। इधर देख के थोड़ा कहाँ पर रहते हैं? बड़े बाबू, ये जो गाड़ी खड़ी है किसी गाड़ी को? सीओ साहब की। सीओ साहब की क्या आदेश है उनकी गाड़ी की? आदेश है मतलब गाड़ी को हटाने। तो ये मतलब किस तरीके गाड़ी के लिए एक चौकीदार खड़ा कर रखा उन्होंने? मतलब आपको जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ ना करके आपको सिर्फ गाड़ी की चौकीदारी के लिए लगा दिया। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? बड़े बाबू Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.